पृथ्वी विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था आर व थीटा के पदों में विभव, और आर व थीटा के पदों में विभव का मान अपन ने निकाल लिया था उसकी स्थिति में अक्ष और निरक्ष की स्थिति पर भी विभव का मान अपन ने प्राप्त किया। नेक्स्ट एप्लीकेशन या नेक्स्ट पॉइंट है आवेशित चालक। तो अपन ने वहाँ पर जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपन ने गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तीन पॉइंट लिए थे, गोलीय कोष के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। इसी तरीके से यहाँ पर भी आवेशित कोई गोलीय कोष है उसके कारण तीनों जो स्थितियाँ हैं उन तीनों स्थितियों के बारे में अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो गोलीय कोष के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर विभव का मान अपन को क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए पहला पॉइंट है गोलीय कोष के बाहर, या एक पॉइंट है गोलीय कोष के बाहर, आवेशित गोलीय कोष के बाहर चालक गोला क्या होता है, वो चालक गोले के पृष्ठ पर समान रूप से क्या फैला हुआ होता है, आवेश फैला हुआ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये कोई आवेश कैपिटल आर दे दिया गया, ये समान रूप से आप इस तरह हमारे पास पॉइंट है आवेशित गोलीय कोष के बाहर, बाहर का मतलब है इस गोलीय कोष के केंद्रों से स्मॉल आर दूरी पर, ये स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है, इस बिंदु पे पर विद्युत विभव की क्या करना है गणना करना। तो ये बाहर की तरफ है, कहने का मतलब है कंडीशन हमारे पास अभी स्मॉल
प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश का मान क्या है? समान, आवेश का मान समान है, तो यहाँ पर इसके कारण विभव का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया था? K2/r² के बराबर है। गोलिए कोष के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, वो तीव्रता का मान अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा? गोलिए कोष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को विद्युत विभव क्या हो जाएगी? गणना के लिए देखिए, माना कैपिटल R, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, एक गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित गोलीय कोश के केंद्र को से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, P स्थित है इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी विद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी। तो विद्युत विभव की गणना करने के लिए क्या करेंगे? प्रेक्षण बिंदु की गोलीय कोश के केंद्र से जो प्रेक्षण बिंदु कौन सा है? हमारे पास P बिंदु पर अपन को परीक्षण आवेश आएगा, और परीक्षण आवेश आएगा तो उसको उस क्षेत्र में लेके आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? E आएगी, और उसके लिए विभव का मान क्या करना है? तो परीक्षण बिंदु की गोलीय कोश के केंद्र से परीक्षण बिंदु की गोलीय कोश के केंद्र से केंद्र से दूरी स्मॉल r, दूरी कितनी है? स्मॉल r, अतः विद्युत विभव की परिभाषा से, अतः विद्युत विभव की परिभाषा से देखिए, प्रेक्षण बिंदु से ये प्रेक्षण बिंदु है हमारे पास, इससे केंद्र तक की दूरी कितनी है? r है, तो r है, तो उसकी विभव की परिभाषा पर पढ़ेंगे v बराबर माइनस e dr, लोअर लिमिट कहाँ से आ रहा है? प्रेक्षण आवेश अनंत से, इस क्षेत्र में आ रहा है r में, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर अब मेन बात है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा? बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। गोलीय कोश के बाहर
सब जानते हैं अपन ने वहां पर निकाला था E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर समीकरण नंबर कितना हो गया दो। देखियो अपन आर स्क्वायर समीकरण नंबर दो, समीकरण दो से समीकरण एक में मान रख दो, समीकरण दो से समीकरण एक में मान रखने का मान रखेंगे तो v बराबर माइनस रख रखा है इसमें माइनस इनफिनिटी टू कितना हो जाएगा आ e की जगह कितना लिखूंगा k क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू कितना हो गया d। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इससे देखो क्या स्पष्ट होता है, ये स्पष्ट होता है कि हमको समाकलन जो करना है इसके सापेक्ष करना है r के, इसको r के सापेक्ष करना है। तो जिसके सापेक्ष समाकलन किया जाता है उसको समाकलन में क्या रखा जाता है, अंदर रखा जाता है, बाकी की राशि को क्या ले लिया जाता है भाग, अर्थात v बराबर माइनस k2 को मैंने ले लिया भाग और ये जो इंफिनिटी टू r अब डायरेक्टली इसका समाकलन नहीं हो सकता है। समाकलन किस तरीके से करेंगे, इसका v बराबर माइनस का k क्यू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r, इसको मैं खा ले जाऊं ऊपर लेके चले जाता हूं r का ऊपर जाएगी तो किसमें जाएगी माइनस में जाएगी, ये आप आ जाएगा x की पावर n के उसमें समाकलन। ये समाकलन का ये सूत्र पढ़ा था x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अनिश्चित समाकलन होने के कारण हमने क्या लिख दिया था, c कांस्टेंट वैल्यू इसमें रख दी थी। आप क्या करेंगे, इसमें निश्चित है तो कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर इसका समाकलन कितना हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए v बराबर माइनस के क्यू समाकलन कर रहे हैं आर, एन का मान कितना है माइनस टू, एन की जगह कितना रखूंगा मैं माइनस टू रखूंगा, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू आर, तो बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का के क्यू, यहाँ बच गया आर की पावर माइनस टू और यहाँ बच गया माइनस के, लिमिट आ गई इन्फिनिटी टू आर। तो माइनस को मैं बाहर लेके आऊंगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो v बराबर आ जाएगा k टू, ये आ गया 1 अपॉन r लिमिट आ जाएगी इनफिनिटी टू r। जैसे इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे अपन तो v बराबर k टू, लिमिट कैसे अप्लाई होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है r, लोअर लिमिट अपर लिमिट कितनी है आर और लोअर लिमिट कितनी है इनफिनिटी, तो वन अपॉन आर अपर लिमिट ले लिया माइनस वन अपॉन इनफिनिटी अर्थात बी बराबर के टू वन अपॉन आर माइनस जे, तो बी बराबर आ जाएगा के टू अपॉन आर। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा तीन। समीकरण जो तीन है, समीकरण तीन गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान प्राप्त होगा। समीकरण तीन, समीकरण तीन आवेशित गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक
विद्युत विभवता क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। ये तो हमारे पास आ जाएगा आवेशित गोलीय कोष के बाहर। अब क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, पृष्ठ पर होता है। इस पर लेंगे अपन पृष्ठ पर। दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर, अर्थात पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, ये कोई बिंदु P है इस गोलीय कोष के इस बिंदु पर, P बिंदु यहां पर, तो इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत विभव का जो मान निकाल लेंगे, वो विद्युत विभव का मान कितना प्राप्त होगा वो देखते हैं। यहां लेकिन कंडीशन क्या लिखी थी, R बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल R। कहने का मतलब है जहां स्मॉल R है वहां क्या रख देंगे अपन कैपिटल R। तो इस आवेशित गोलीय कोष की जो त्रिज्या है, गोलीय कोष के केंद्र से बिंदु तक की बिंदु की दूरी के क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात समीकृत विभव या समीकरण 3 से भी बराबर आवेशित गोलीय कोष के अंदर ये बिंदु कहीं पर
देखना है। और अंदर का मतलब क्या होगा, अब कैपिटल आर क्या है दादा, किससे, स्मॉल आर से। इसका देखना है, यहां देखिए वही तरीका है। माना है कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, आवेशित गोलीय कोष है जिसका समान रूप से क्या फैला हुआ है, स्मॉल क्यू आवेश फैला हुआ है। अब इस गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर अंदर की तरफ एक बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर विद्युत प्रवाह की क्या करना है, गणना करना है। तो मेन बात क्या है, गणना किस तरीके से की जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था विद्युत विभव की सूत्र क्या होता है, V बराबर माइनस इनफिनिटी को R इनटू dr। अब देखिए ये परीक्षण आवेश का आपर्दा को जीरो हो अनंत आपर्दा अनंत, ये परीक्षण आवेश अनंत से चलता 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 किस क्षेत्र में आया है, मान किस तरीके से, ये हमारे पास आवेश गोलीय कोष था, ये हो गया ये आवेश गोलीय कोष था, इसकी जो मैं ले रहा हूँ ये कितना ले रहा हूँ कैपिटल आर, ये कोई बिंदु ले रहा हूँ मैं स्मॉल आर दूरी पर पी बिंदु, इस पी बिंदु पर विद्युत विभव की क्या करना है, मेरे को गणना करनी है, चाहे यहाँ ले लो चाहे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये कोई परीक्षण आवेश क्यों जीरो कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है अनंत से, चला कहाँ से अनंत से, चलता 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 पहले कहाँ पर आया, इसके पृष्ठ पर आया, अनंत से चलता हुआ कहाँ पर आया, पहले पृष्ठ पर, पहली लिमिट क्या हो जाएगी, अनंत से कहाँ पर चलेंगे पृष्ठ पर, ये लोग विद्युत विभव हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ए डी आर, ये तो होता है। अब चलता चलता अनंत से कहाँ पर आया है, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर इसकी दूरी कितनी होगी कैपिटल आर, इसकी लिमिट आ जाएगी अनंत से कैपिटल आर, अनंत से कितनी आ जाएगी कैपिटल। अब देखिए फिर ये आर से कहां पर चल रहा है, आर से चलता 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 किस में चल रहा है, स्मॉल आर क्षेत्र में जा रहा है, ये कैपिटल आर से चला कहां पर क्षेत्र में चला, स्मॉल आर ये इनटू कितना हो जाएगा dr, फिर किसका आ जाएगा माइनस, इन दोनों के लिए परिणामी मान कितना होता है, दोनों को क्या करते हैं अपन जोड़ते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास अंदर की तरफ विभव का निकालने का जो सूत्र होगा वो सूत्र इस तरीके से प्राप्त होगा। दोबारा देख लीजिए ये गोलीय कोष है और गोलीय कोष के अंदर कोई बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर विद्युत विभव की क्या करना है, गणना करना है। तो ये कोई परीक्षण आवेश कहां से चला, अनंत से चला, और अनंत से चलता चलता कहां पर आ गया, इसका पृष्ठ पर आ गया, पृष्ठ पर इसकी कितनी रेंज है, लोअर तक कितनी इंफिनिटी, और कहां तक आया हमारे पास कैपिटल आर, फिर इस कैपिटल आर से कहां चलेगा स्मॉल आर, ये कैपिटल आर से कितना गया स्मॉल आर, दोनों का परिणामी मान निकालना है, दोनों को क्या कर देना है जोड़ना है, इस तरीके से हमारे पास विद्युत विभव की क्या हो जाएगी, गणना। कहने का मतलब है ये स्थिति किस में आ गई, अंदर की तरफ आ गई, किस में आ गई अंदर की तरफ, और ये स्थिति किस में आ गई हमारे पास बाहर की तरफ, ये स्थिति क्या हो गई बाहर, तो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी A2/R2, और अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी पड़ी थी, अब इसी चालक के लिए जीरो, क्योंकि आवेश उसमें उपस्थित नहीं होता था, और आवेश उपस्थित नहीं होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी, शून्य होती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, इसके कारण क्या हो जाएगी विद्युत विभव का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। अपन को सही तरीके से किस तरीके से समझे के रूप में बताया है, और अपन इस तरीके से इसको क्या करेंगे व्यक्त करेंगे।
माना कैपिटल आर दे दिया था, माना कैपिटल आर दे दिया था गोलीय दोष, दोष है जिसके पृष्ठ पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। प्लस क्यू आवेश क्या है? वितरित है। गोलीय कोश के केंद्र को से गोलीय के केंद्र को से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है, पे स्थित है, इस बिंदु पे पर पेपर विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव की गणना करनी, तो विद्युत विभव की गणना करने के लिए क्या करते हैं अपन? गोलीय कोश के अंदर विभव की गणना करने के लिए क्या करते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं। गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव की गणना करने के लिए क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करते हैं। क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों में विभाजित करेंगे, दो भागों में विभाजित कौन कौन सा हो गया? पहले कहां से चलेंगे? अनंत से कहां पर चलेंगे? आर पर। पहला है अनंत से, अनंत से कैपिटल आर दूरी तक। दूसरा जो क्षेत्र है कहां से चलेंगे? कैपिटल आर से अभिष्ट बिंदु, कैपिटल आर से अभिष्ट बिंदु बिंदु तक की दूरी, तक की दूरी अभिष्ट बिंदु तक की दूरी स्मॉल आर तक। अभिष्ट बिंदु कौन सा है? पी। उनके बीच उनकी दूरी कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर तक। ठीक है, आता है विद्युत विभव की परिभाषा से। बिंदु विभव की परिभाषा से विद्युत विभव की अपन क्या करेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। क्या परिभाषा पढ़ेंगे वो देखना, बता दो। विद्युत विभव की परिभाषा उन्होंने की क्या है? V बराबर
माइनस इन्फिनिटी टू आर ई इंटू डी आर। अब देखिए फिर दूसरा क्षेत्र हो जाएगा ई इंटू डी आर, ये दो क्षेत्र तो यहाँ पर देखिए कहाँ से लेके आए, अनंत से कहाँ पर लेके आए, आर पर लेके आए, तो अनंत से आर पर लेके आए तो लोअर बाउंड्री कहाँ पर है इन्फिनिटी, अपर बाउंड्री कितनी है कैपिटल आर। दूसरा क्षेत्र कौन सा है कैपिटल आर से, कहाँ पर चल रहे अपन कैपिटल आर से अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु कौन सा है पी बिंदु है और पी बिंदु की रेंज कितनी है स्मॉल आर है, अभिष्ट बिंदु कौन सा होगा कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब देखिए कहाँ से चले अपन इन्फिनिटी से चले, अनंत से कोई परीक्षण आवेश चला और परीक्षण आवेश चला यहाँ तक चला और यहाँ से इतनी यहाँ तक चला तो दोनों को क्या परिणामी मान परिणामी विभव का मान चाहिए और परिणामी विभव के लिए दोनों बिंदुओं को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ये भी किस मारा है माइनस के, जैसे ही अपन इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो माइनस प्लस के हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी बराबर जो विभव होगा अंदर की तरफ विभव कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू डीआर। समीकरण हमारे पास कौन सा दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब ये स्थिति कौन सी है, ये स्थिति है हमारे पास अनंत से कैपिटल आर दूरी तक, अनंत से कैपिटल आर दूरी यहां कैपिटल आर दूरी यहां तक है, कहने का मतलब इसके पृष्ठ पर और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई बराबर के क्यू पर कैपिटल के क्यू पर स्मॉल आर के बराबर होती है। तो यहाँ देखिए क्योंकि गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है के क्यू अपॉन एफ स्मॉल आर या कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर बराबर कितना होता है कैपिटल आर होता है, यहाँ इसको चेंज करना पड़ेगा कैपिटल आर लिखना पड़ेगा यहाँ अपन कैपिटल आर रखते हैं तो ई बराबर के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, इसके अंदर का क्षेत्र हो गया और अंदर की तरफ आवेश उपस्थित नहीं है और आवेश उपस्थित नहीं होने के कारण क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो तीव्रता कितनी होती है शून्य होती है। गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बराबर कितना होता है जी समीकरण 1 से, अर्थात मैं इसको थोड़ी देर में लिख सकता हूं यहां तो लिख सकता हूं पृष्ठ पर समझने के लिए और अच्छा समझने के लिए, पृष्ठ पर हो गया ये क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा तो यहां पर अपन रख देंगे बी बराबर माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ई की वैल्यू हमारे पास पृष्ठ पर कितनी है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इनटू डी आर माइनस ई का मान जीरो रखूंगा तो पूरी राशि कैसे हो जाएगी जी वी बराबर क्या बच जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी टू कैपिटल आर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। अब इसका मतलब है परिवर्तन किसमें आ रहा है स्मॉल आर में परिवर्तन आ रहा है, जिसमें परिवर्तन आ रहा है उसको अंदर रखेंगे बाकी की राशि को क्या ले लिया जाता है बाहर ले लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बी बराबर माइनस के क्यू, इसको तो मैंने क्या ले लिया बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट वैल्यू है सबके लिए वन अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर वन अपॉन आर स्क्वायर डीआर, इसका क्या करेंगे अपन समाकलन करेंगे तो b बराबर माइनस का k क्यू, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं इस राशि को ऊपर लेके जाऊंगा तो r की पावर कितनी हो जाएगी माइनस दो इंटू कितना हो गया dr। अब ये किस तरीके से हो गया r की पावर n,
या मैं ये कह सकता हूँ x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो n का मान हमारे पास कितना है, माइनस टू है, हम हल करेंगे इसको तो v बराबर माइनस के क्यू आर n n प्लस वन। n का मान कितना है, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। लिमिट कितनी आ रही है हमारे पास, इंफिनिटी टू कैपिटल आर, इंफिनिटी टू कैपिटल आर। इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे v बराबर माइनस का के क्यू, यहाँ बच गया आर ओ में माइनस ओ में क्या जोड़ा है, एक जोड़ा है, कितना बच गया माइनस का एक, माइनस एक बटे माइनस एक, इन्फिनिटी टू कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वी बराबर के क्यू। और इसको मैं नीचे ले आऊंगा वन अपॉन कितना हो जाएगा आर, इन्फिनिटी टू या ये लाइन हम लिख देते हैं, ऊपर क्या बचेगा माइनस वन, इन्फिनिटी टू कितना हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे अपन, क्या आ रहा है, v बराबर k क्यू r की पावर माइनस वन है तो नीचे लेके आऊंगा था ये मेरा बच जाएगा हमारे पास इंफिनिटी टू कितना हो जाएगा कैपिटल r। लिमिट अप्लाई कर दूंगा v बराबर k क्यू वन अपॉन अपर लिमिट कितनी है r वन अपॉन इंफिनिटी v बराबर के वन अपॉन कैपिटल आर माइनस जीरो। v बराबर कितना बच जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये समीकरण हमारे पास कितना आ जाएगा, पांच समीकरण आ जाएगा, चार तक तो अपन ने वहां तक कर दिया था, ये समीकरण नंबर कौन सा गया पांच। तो समीकरण जो पांच है समीकरण पांच आओ इसे गोलीय को आवेशित गोलीय को के अंदर आवेशित गोलीय कोष के अंदर स्थिर बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक है। विद्युत विभव का क्या है, व्यंजक। बिल्कुल पहले अपन करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसका मान हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। मेन बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमेशा ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी पूछता है क्वेश्चन ये पूछता है, आप जल्दबाजी में क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। क्वेश्चन विभव का मान पूछता है, आवेशित गोलीय कोष के अंदर विभव का मान क्या होता है, आप जल्दबाजी में क्या करते हो, विभव को भूल जाते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को क्या रहती है, ध्यान में रहती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान रखना है जीरो होती है अंदर, लेकिन विभव का मान किसके बराबर होता है, पृष्ठ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, गोलीय कोष के पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। सपोज हमारे पास ये दिया, इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर विभव का मान कितना दे दिया, 15 वोल्ट दे दिया, कितना दे दिया 15 वोल्ट। और क्वेश्चन पूछ रहा है गोलीय कोष के जिसकी त्रिज्या दे रखी है हमको, कोई भी त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, फिर कह देता है कि गोलीय आवेशित गोलीय कोष से आवेशित गोलीय कोष के केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो 1 सेंटीमीटर दूरी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं गोलीय कोष का क्या हो जाएगा, हम
और गोलिय को उसका अंदर क्या होता है 10 के बाद अंदर भी कितना हो जाएगा हमारे पास 15 वोल्ट के बराबर उत्तर हो जाएगा। अपन क्या करते हैं जल्दबाजी में विभव ध्यान में रहता है क्या रहती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है जीरो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी जीरो और ये क्या हो जाएगा हमारे पास विभव का मान प्राप्त हो जाएगा पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं जैसे अपन ने पढ़ा था वहां पर ग्राफ पढ़े थे उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन क्या पढ़ेंगे ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ क्या पढ़ेंगे देखिए विद्युत विभव व स्मॉल आर के मध्य का विद्युत विभव व स्मॉल आर के मध्य ग्राफ ग्राफ कैसे पढ़ेंगे ये स्मॉल आर ये क्या हो गया विद्युत विभव हो गया वोल्ट तीनों विभव को देखिए V बराबर हमारे पास आया था ये AQ / R² ये क्या था पृष्ठ के बाहर आउटसाइड था ये पृष्ठ पर था AQ / कैपिटल R AQ / कैपिटल R और ये था अंदर AQ / अर्थात हम कह सकते हैं आर की तरफ आएगा तो इस बी और इसमें आर के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं तो ग्राफ कैसा मिलेगा लगा ग्राफ लगा इस तरीके से ग्राफ मिलेगा ये बी है या अर्थात बी प्रोपोर्शनल टू ए होगा। क्या यहाँ आर किसके बराबर है इसमें आर के बराबर है क्या नहीं है इसका मतलब ये तो हमारे पास इसी तरीके से मिल जाएगा प्रश्न पर तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर और ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर और ये आ जाएगा स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर इसकी कितनी आ जाएगी ये तो मान आएगा कैसा आएगा ये तो हो जाएगा अंदर ये कहा जाएगा अंदर और ये पृष्ठ पर इतना आएगा बाहर की तरफ इतना आएगा इतना दोबारा देख लीजिए ये KQ / R KQ / R ये तो पृष्ठ पर और बाहर की तरफ लगभग बराबर आ रहा है ये ग्राफ हमारे पास ये मिल गया। अंदर की तरफ देखिए ये अंदर है अंदर अंदर अब स्मॉल r बराबर कैपिटल R नहीं है नहीं है इसका मतलब है कि इसके स्मॉल r के कोई से भी मान पर विभव का मान कैसा मिलेगा नियम विभव का मान कैसा मिलेगा नहीं यहाँ स्मॉल आर के बराबर नहीं है स्मॉल आर के बराबर नहीं है तो आर स्मॉल आर के किसी भी मान के लिए इसका जो मान मिलेगा विभव का तो विभव का मान कैसा मिलेगा नियत मिलेगा विभव का मान कैसा मिल जा रहा है नियत ठीक है तो इसका अंदर की तरफ का तरीके से ये पृष्ठ पर हो गया स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ये क्या हो जाएगा बाहर की तरफ हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल एक नोट लिख लेते हैं नोट लिख लेते आवेश गोलिये को के अंदर विद्युत विभव अंदर पहले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है
जबकि आवेशित कोणीय कोण को उसके अंदर विद्युत विभव वी बराबर ए क्यू अपॉन इसमें कैपिटल आर अर्थात पृष्ठ पर विभव के समान प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप गलती करते हो, गलती नहीं करना। ये तीव्रता कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। और यहाँ अंदर विद्युत विभव का मान, अंदर विद्युत विभव का मान पृष्ठ पर विभव के समान प्राप्त होता है। ये अंडरलाइन है, क्योंकि इसका आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखोगे तो आपका सवाल गलती नहीं होगा।